अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए जो रिश्ता आया था उसे देख के तो मैं हकीकतन परेशान हो गया। मैंने आपकी भाभी की वालदा को सोच समझ कर रिश्ता ढूंढना चाहिए था आपके लिए। एटलीस्ट आपकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए ही बात करनी चाहिए थी। हमें भी मालूम नहीं था कि वो किस तरह के लोग हैं। तो क्या आप ये रिश्ता कबूल कर लेंगे? ये फैसला मेरे घर वाले करेंगे। लेकिन ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी अपनी भी कोई राय होगी। नहीं, मेरी कोई अपनी राय नहीं है। जो मेरे घर वालों की मर्जी होगी वो मेरी भी मर्जी होगी। आप 21वीं सदी की लड़की हैं, किस जमाने की बातें कर रही हैं? हर दौर में हर तरह के लोग पैदा होते हैं, और मुझे अपनी शादी के मामले में कुछ कहना मुनासिब नहीं लगता। तो क्या आप उस नौदौलती से शादी कर लेंगी जिसे शेखियां बिगाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता? यानी इखलाक, किरदार, तहजीब, तालीम, किसी भी चीज में वो आपके लायक नहीं है। मेरी क्लास शुरू हो गई है, मैं चलती हूँ। मामा कह रही है वो खाना नहीं खाएंगी। अच्छी जिद है। अरे बेटा, क्या हो? जी बाबा। कोई बात नहीं, मामा बाद में खाना खा लेंगी। आप तो बाबा के साथ अभी खा सकती हो ना? हुरिया ने तो भूख हड़ताल कर रखी है, कहीं बेहोश ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, राइस खाओगी? आज तो परी को बाबा अपने हाथों से खाना खिलाएंगे।